नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मैक्रोनी पास्ता की बहुत ही चटपटी और बहुत ही कुरकुरे स्नैक्स की रेसिपी लाई हूँ। आप इसे बनाकर 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आता है और ये बहुत ही हेल्दी है। ये पास्ता मैदे का नहीं है दोस्तों, ये मैंने सूजी का पास्ता लिया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 200 से 250 ग्राम तक यहाँ पे पास्ता है, मैक्रोनी पास्ता। आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये सूजी का है, सूजी वाला लिया है। आप चाहें तो मैदे वाला भी ले सकते हैं। तो देखिए, बॉबिनो का है, ये सेमोलिना सूजी का बना होता है दोस्तों। बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर कुछ उनको चटपटा छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में 2 से 3 कप पानी रखा है गर्म करने के लिए। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक उबाल आने देंगे। जब पानी अच्छे से उबलने लगे तब इसमें हम ये पास्ता ऐड कर देंगे, मैक्रोनी पास्ता, और इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए जब तक ये 80-90% कुक ना हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। लगातार चलाते ज़रूर रहिए दोस्तों, नहीं तो नीचे से पकड़ने लगते हैं। बिकॉज ये सूजी का है ना, तो ये नीचे से पकड़ने लगता है, तो इसे आप चलाते ज़रूर रहिए। और ये देखिए, 7 से 8 मिनट लगा मीडियम फ्लेम पे, अच्छे से मैंने इसको कुक कर लिया है। आप एक नाइफ या टूथपिक की सहायता से चेक कर सकते हैं। देखिए, ये इजीली कट जा रहा है। ये लगभग 80-90% तक कुक हो चुका है। आप पैकेट के जो इसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ना, उससे भी देख के आप पका सकते हैं। इसको हम निकाल देते हैं। इसे मैंने एक छन्नी में निकाल दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और इसको मैंने इसमें तुरंत ठंडा पानी डाल दिया है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस है जो रुक जाए, ये ओवर कुक ना हो पाए। फिर इसे हमें 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसका जो पूरा पानी अच्छे से निथर जाए, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसे मैंने एक छन्नी में रख दिया था, इसका पानी तुरंत निकल गया और ये थोड़ी सी इसमें नमी है, तो इसको मैं एक परात में डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छे से हमारा पास्ता बॉयल हो चुका है दोस्तों। देखिए, खिला खिला सा पास्ता बनकर तैयार है। और ये ज़्यादा ओवर कुक मत कीजिए, आप थोड़ा सा 80-90% ही इसे में पकाना है। तो बहुत ही अच्छे से ये पानी इसका निथर चुका है, बट इसमें नमी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटा चम्मच मैदा। अब इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, मैदे और कॉर्नफ्लावर से अच्छे से इस पर कोटिंग हो जाए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हाथों से या स्पून की सहायता से आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारे पास्ते में अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए, मैदे और कॉर्नफ्लावर अच्छे से सभी पास्ता में अच्छे से लपेट लट जाने चाहिए। तो इसको आप हाथों से ऐसे कर दीजिए, बहुत ही आराम से हो जाता है। एक बार आप इस स्नैक्स को बनाकर रखिए दोस्तों, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों को छोटी मोटी भूख के लिए बाहर का खाना देना अवॉइड कीजिए, आप घर पे बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर दिया है। हल्के हाथों से आप मिक्स कीजिए, टूटेगा नहीं। अब इसे हमें छन्नी में डालकर इसको छान लेना है ताकि जो भी इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए। तो मैं सारे पास्ता को पहले अच्छे से छान लेती हूँ। आप इस तरह से एक बार इस स्नैक्स को ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल रखने के लिए पहले से गर्म किया रखा था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हमें हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पर थोड़े से पास्ते को डाल दिया है, और इसे हमें 2 से 3 सेकेंड तक बिल्कुल टच नहीं करना है। जब ये इसके बबल्स थोड़े से कम हो जाए तब इसे हम पलटेंगे। इसमें देखिए बबल्स है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तब इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से अलटते पलटते तक क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो इसे अच्छे से हमें पका लेना है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसमें जो बबल्स हैं वो कम होने लगे हैं और ये अच्छे से ये फ्राई होने लगता है। तो इसे ऐसे ही अलट पलट कर अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक या क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए, इसका कलर इतना अच्छा चेंज हो चुका है दोस्तों, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह मैं सारे मैक्रोनी पास्ता को अच्छे से फ्राई कर लूँगी, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप एक बार ज़रूर इस स्नैक्स को ट्राई कीजिएगा, चाय के साथ छोटी मोटी भूख में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो इसमें जो हमें इसको टिश्यू पेपर या फिर ऐसे पेपर पर नहीं रखना है, इसका जो थोड़ा सा इसमें ऑयल होना चाहिए ताकि हम इसमें जो मसाले अब ऐड करेंगे ना वो तेल के साथ अच्छे से लिपट कर सारे पास्ते में मिक्स हो जाए। तो तेल थोड़ा सा रहना चाहिए, तो इसको टिश्यू पेपर पे आप मत रखिएगा। अब इसी तरह मैं सारे पास्ते पहले अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
पे मैंने सारे पास्ते अच्छे से फ्राई कर लिए हैं दोस्तों। देखिए मैंने इसको एक मिक्सिंग बड़े मिक्सिंग बाउल में मिला दिया है। अब इसमें हम मसाले कुछ ऐड करेंगे इसको चटपटा टेस्ट देने के लिए। तो सारे पास्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मैं आपको आवाज़ सुना रही हूँ। तो आपने सुना होगा इसकी कितना क्रिस्पी बना है दोस्तों। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे लिया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक थोड़ा सा कम डालिए क्योंकि हम इसमें चाट मसाला भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिया है आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला। तो नमक मैंने थोड़ा सा डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला चटपटे टेस्ट के लिए डाला है। इसके साथ साथ इसमें ऐड करेंगे बहुत ही एक सीक्रेट मसाला। तो यहाँ पर 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला यूज़ किया है। आप को जो भी पसंद है मसाले वो ऐड कर सकते हैं, मैम जो मैगी का मसाला होता है या फिर सांभर मसाला, जो भी आपको पसंद है वो मसाला ऐड कर दीजिए, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको अच्छे से मैंने स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लिया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा स्नैक्स बना है, आप इसे सुबह चाय के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ये नाश्ता, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को छोटी मोटी भूख में ये बहुत ही अच्छा है। और ये सूजी का बना हुआ पास्ता है तो बहुत ही हेल्दी है। तो मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार आप इस स्नैक्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बहुत ही क्रिस्पी बना है देखिए दोस्तों। तो तब तक हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।